नमस्कार आदाब नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में आप सबका इस्तकबाल है। नाजरीन, आज के शुमारे में हम पाकिस्तान में मुआशी बदहाली और पुलिस की जानिब से बेगुनाह पश्तूनों के फर्जी मुकाबले में टारगेट किलिंग के बढ़ते वाकयात को लेकर मचे हाहाकार पर खुसूसी रिपोर्ट्स दिखाएंगे। इसके साथ ही बलूचिस्तान की शहीद इंसानी हुकूक कारकुन करीमा बलोच की पहली बरसी पर बैनुल अक्वामी सतह पर हुए एहतजाजी मुजाहिरों के अलावा हफ्ते भर की ताजा तरीन खबरें भी पेश करेंगे। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज के शुमारे की सुर्खियों पर। करीमा बलोच को खराज अकीदत के लिए बैरूनी मुल्कों में उमड़े बलोच लीडरान। एफबीआर के साबिक चेयरमैन शब्बर जैदी ने कहा दिवालिया हो चुका पाकिस्तान। और कराची में पश्तून तालिबे इल्म के कत्ल पर सरापा एहतजाज मुतासिरा खानदान। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। ये कहावत पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी आईएसआई की जानिब से कत्ल की गई बलोचिस्तान की मकबूल इंसानी हुकूक कारकुन करीमा बलोच की पहली बरसी पर पूरी तरह सच साबित हुई। हालांकि बलूचिस्तान में पाकिस्तानी मजालिम के खिलाफ आवाज उठाने वाली करीमा बलोच को कनाडा के टोरंटो शहर में एक साल पहले पुर इसरार तरीके से कत्ल किया गया, लेकिन करीमा बलोच के यौम शहादत पर जर्मनी समेत मुख्तलिफ ममालिक में बलूचिस्तान के जिला वतन लीडरों और सियासी कारकुनों ने उन्हें याद करके अमर कर दिया है। था जिंदगी में मर्ग का खटका लगा हुआ, उड़ने से पेशतर भी मेरा रंग जर्द था। मिर्जा गालिब का ये शेर पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी आईएसआई की बलूचिस्तान में बर्बरियत के खिलाफ मरते दम तक आवाज उठाने वाली इंसानी हुकूक कारकुन करीमा बलोच की शहादत की पहली बरसी पर पूरी तरह फिट बैठता है। इस सच्चाई की अक्कासी कर रहे हैं जर्मनी के शहर गॉटिंजन में करीमा बलोच के यौम शहादत पर खराज अकीदत पेश करने के लिए जिला वतन बलोच पश्तून और सिंधी लीडरान के उमड़े जम्मे गफीर के ये मनाजिर। टुडे वी आर गैदर्ड हियर टू पे ट्रिब्यूट टू बानो करीमा बलोच। शी वॉज वन ऑफ द लीडिंग पॉलिटिकल एक्टिविस्ट ऑफ बलोचिस्तान। शी इज द रोल मॉडल फॉर एवरी गर्ल इन बलोचिस्तान struggling for their fundamental rights. Bano Karima Baloch was one of the founders of political mobilizer among Baloch women. She also had the honor of being the first female head of the organization in the 50 years history of the Baloch students organization. She started her victim activism since her early 20s and fight for human rights and highlights abductions, torture, forced disappearances and other human rights violations. बलूचिस्तान पर जबरन काबिज पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी आईएसआई की धमकियों के पेश नजर बीएसओ यानी बलोच स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन आजाद की प्रेसिडेंट रही करीमा बलोच कनाडा में जिला वतनी की जिंदगी जरूर बसर करती रही, लेकिन कनाडा में रहते हुए भी करीमा बलोच ने पाकिस्तानी फौज की जानिब से बलूचिस्तान में इंसानी हुकूक की बढ़ती खिलाफ वर्जी को लेकर बैन अलाक्वामी सतह पर आवाज उठाना बंद नहीं किया। तो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने कनाडा के टोरंटो शहर में करीमा बलोच को अगवा करके पुरसरार तरीके से कत्ल करवा दिया। यही वजह रही कि शहीद करीमा बलोच की पहली बरसी के मौके पर जर्मनी ही नहीं बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में एहतजाजी रैलियां निकाली गईं और वेबिनार भी मुनक्किद किए गए। इन रैलियों और वेबिनार में शरीक जिलावतन बलोच सिंधी लीडरान और इंसानी हुकूक इदारों के कारकुनान एमनेस्टी इंटरनेशनल समेत आलमी बिरादरी से करीमा बलोच को इंसाफ दिलाने का मुतालबा करते रहे। उसकी जो शख्सियत है, उसके जो कारनामे, जो तरीका, जो पॉलिटिक्स, जो सोशल वर्क्स, जिस हर एक एक्टिविटी में उन्होंने
जिस तरह के कारनामे अंजाम दिए हैं वो हमारे माशरे का हर एक फर्द उससे वाकिफ है, वो हमारी तारीख का हिस्सा बन चुकी हैं, एक तारीख का एक अनमिट हिस्सा बन चुकी हैं कि वो इसके बाद बलूच कौमी तहरीक हो, सोशल वर्क्स हों, बलूच समाज में ख्वातीन का किरदार हो, जिस तरह की एक टॉपिक हो उसमें करीमा का नाम सारे फहरिस्त में से आएगी। एक बरस पहले 22 दिसंबर 2020 को करीमा बलोच की लाश कनाडा के शहर टोरंटो में एक झील के पास से बरामद हुई थी, लिहाजा करीमा बलोच के पुरिसरार कत्ल के खिलाफ कनाडा समेत मुख्तलिफ मुल्कों में एहतजाजी मुजाहरे किए गए और इन एहतजाजी मुजाहरों में कैनेडियन हुकूमत से करीमा बलोच के कत्ल की गैर जानिबदाराना तहकीकात कराने के मुतालबात किए जाते रहे, लेकिन करीमा के पुरिसरार कत्ल को एक बरस का तवील अरसा गुजर जाने के बावजूद सच्चाई सामने नहीं आ सकी, क्योंकि करीमा बलोच के कत्ल में पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी आईएसआई बराह रास्त मुलव्विस रही। मुझे आज याद है करीमा कभी बाहर नहीं आना चाहती थी। करीमा ने बिल्कुल इनकार किया था कि मैं कनाडा नहीं जाऊंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं मेरे दोस्त गायब हैं, मैं आई एम मोर प्रोडक्टिव इन बलूचिस्तान देन बीइंग इन अ वेस्टर्न कंट्री। लेकिन इसके बावजूद इसके दोस्तों ने, इसके ऑर्गेनाइजेशन ने उसको मजबूर किया था, और उसकी जरूरत थी मेरे ख्याल में कि ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत थी, बलोच स्ट्रगल की जरूरत थी कि करीमा जैसे इंसान, करीमा जैसे सियासी पॉलिटिकल लीडर और वर्कर एंड स्टेप फॉरवर्ड पर्सन शुड बी सेव। कनाडा में शहीद करीमा बलोच की मैयत को आखिरी रसूमात के लिए पाकिस्तान पहुंचाया गया, लेकिन करीमा बलोच की शहादत को लेकर खौफजदा पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी आईएसआई ने उनकी मैयत को कराची एयरपोर्ट पहुंचते ही अपने कब्जे में ले लिया। नतीजतन शहीद करीमा बलोच को खराज अकीदत पेश करने के लिए कराची एयरपोर्ट पर हजारों की तादाद में उमड़े बलोच, सिंधी और पश्तून कारकुनान उनका आखिरी दीदार तक नहीं कर सके। यही नहीं, पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी आईएसआई ने करीमा बलोच की मैयत उनके बलूचिस्तान में रिहायश पजीर खानदान तक के हवाले नहीं की और आनन फानन चोरी छुपे करीमा बलोच की मैयत को आबाई गांव में सुपुर्द खाक कर दिया गया। लेकिन बलूचिस्तान पर जबरन कब्जा जमाए बैठी पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली हुकूमतें ये भूल गई हैं कि करीमा बलोच की शहादत के बाद बलूचिस्तान में हजारों लाखों खवातीन करीमा बलोच बन चुकी हैं और वो बलूचिस्तान में आजादी की तहरीक को मजीद जिला बख्श रही हैं। अब बात पाकिस्तान में खस्ता हाल मईशत, बेरोजगारी और महंगाई को लेकर मच रहे हाहाकार की। पाकिस्तानी अवाम के हाहाकार को लेकर अपोजिशन जमातें तो काफी पहले से ही इमरान खान की हुकूमत पर मुल्क को मुआशी तौर पर तबाही के दहाने पर धकेलने के इल्जाम लगा रही थी, लेकिन सरकारी इदारे एफबीआर यानी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के साबिक चेयरमैन शब्बर जैदी ने पाकिस्तान के दिवालिया होने की तस्दीक करके इमरान खान हुकूमत के मुआशी तरक्की के खोखले दावों की सच्चाई सामने ला दी है। हमारी इकॉनमी ठीक जा रही है, हमें इस वक्त बिल्कुल एहसास है, हमारा जो निचला तबका है वो प्रेशर में, ये सरा थोड़ा सा सब्र करें और आप देखेंगे इंटरनेशनली ये प्राइस नीचे आएंगी, जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बिल्कुल बढ़ती जा रही हैं और इंशाल्लाह आप देखेंगे हमारी रेमिटेंसेज और हमारी एक्सपोर्ट्स मिल के वो ये जो हमारा ट्रेड गैप होगी इसको बेसिकली श्रिंक करेंगे, इसको बढ़ाएंगे। पाकिस्तानी इकदार पर काबिज वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत खसूसन वजीर खजाना शौकत तरीन मुआशी हालात में बेहतरी के बुलंद बांग दावे करते नहीं थक रहे। लेकिन पाकिस्तान में कारोबारी तबके से लेकर आम आवाम झूठे हुकूमती दावों की पोल खोलने के लिए आए रोज जगह जगह एहतजाजी मुजाहरे कर रहे हैं। ये सच्चाई
पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में इनकम टैक्स महकमे FBR यानी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के दफ्तर के बाहर ताजिर बिरादरी की जानिब से किए गए एहतजाजी मुजाहरों से मंजर आम पर आ चुकी है। यही नहीं, खुद FBR के साबिक चेयरमैन सैयद शब्बर जैदी ने पाकिस्तान के दिवालिया होने की तस्दीक करके सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। पाकिस्तान इज एंटिटी बैंकरप्ट है सर, और ये हमारे हम जो बोलते हैं अकाउंटिंग में, ये गोइंग कंसर्न नहीं है इस पोजीशन में। आज हम कहते रहे कि बहुत अच्छा है, बड़ी अच्छी चीजें हैं, बड़ा अच्छा मुल्क चल रहा है, हमने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली, हमने तब्दीली ले आए हम, मगर दिस इज रॉन्ग। इन माई व्यू द कंट्री इज एट द मोमेंट बैंकरप्ट, इट इज नॉट अ गोइंग कंसर्न। द बैलेंस जो आपका जो आप इस वक्त इसको अकाउंटिंग टर्म में बनाएंगे तो ये कंट्री बैंकरप्ट। पाकिस्तानी स्टॉक बाजार में जारी भारी गिरावट और डॉलर की रिकॉर्ड तोड़ उड़ान को दिवालियेपन का नतीजा बताया फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के साबिक चेयरमैन सैयद शब्बर जैदी ने। शब्बर जैदी ने कहा कि पाकिस्तान संगीन मुआशी बहरान की वजह से दिवालियेपन के दहाने पर पहुंच चुका है, इसलिए पाकिस्तानी हुकूमत को गरीब आवाम को झूठे सब्ज बाग दिखाने की बजाय जमीनी हकीकत से बावर कराकर आगे बढ़ने की समय तय करनी चाहिए। जब आप पहले डिसाइड कर लें कि यार ठीक है, ये आज बैंकरप्टसी पे हम चले गए और इसके आगे हमें चलना है, ये ज्यादा बेहतर है बनिस्बत इसके कि आप कहें जी ठीक है, अच्छा चल रहा है जी, मैं बड़ा अच्छा, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं ये ले आऊंगा, ले आऊंगा, ये सब लोगों को धोखा देने वाली बात है। हालांकि पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI के दबाव के बाद FBR के साबिक चीफ शब्बर जैदी ट्वीट के जरिए वजाहत देने की कोशिशें करते रहे, लेकिन पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी और मुआशी तजियाकारों का मौकफ है कि दिवालियेपन की वजह से ही इमरान खान हुकूमत को IMF और दीगर बैरूनी ममालिक से कर्जा लेने के लिए उनकी तमाम सख्त तरीन शर्तों पर सर खम करना पड़ रहा है। जो उन्होंने बैंकरप्ट होने की बात की, ये कोई नई बात तो नहीं है। इसकी वजह ये कि हम तो डर के मारे नहीं कहते ना, हम तो इसलिए नहीं कहते कि हम ये कहेंगे तो फौरी तौर पर हमें ये कहा जाने लगेगा कि आप तो हैं ही मुल्क दुश्मन, आप तो बात ही ये करते हैं, आपकी तो ख्वाहिश ही ये है कि मुल्क इस तरह हो जाए, बैंकरप्ट हो जाए, आप ये बात इसलिए करते हैं। तो चलिए, हमने नहीं की, एक ऐसे आदमी ने कर दी कि जिसके ऊपर आप ये इल्ज़ाम अपनी लगा सकते हैं, मजबूरी है आपकी ना, ऐसे तमाम लोग जो इल्ज़ाम लगाया करते हैं बहुत अपने आप को मुहिब्बे वतन समझ के। तो अब शब्बर जैदी साहब पर जो है वो गद्दार होने का इल्ज़ाम कब लगता है, मुझे ये इंतज़ार है इस चीज़ का, उनको कब तय किया जाएगा कि वो इंडियन एजेंट है कि उनके उन्होंने ये कह दिया कि पाकिस्तान बैंकरप्ट हो चुका है। बहरहाल सरकारी आदमशुमार के मुताबिक मौजूदा दौर में पाकिस्तान पर तकरीबन 36,000 अरब डॉलर का कर्जा है। इसी कर्ज के चलते इमरान खान की हुकूमत स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान समेत तमाम मुआशी फैसलों के इख्तियारात IMF के हवाले कर चुकी है और IMF की हिदायत पर ही पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत, बिजली और गैस की कीमतें बढ़ाकर बेरोजगारी और महंगाई से अजीरन आवाम की मुसीबतों में मजीद इजाफा किया जा रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के सरकारी महकमों से जबरन निकाले गए 17,000 सरकारी मुलाजमीन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। अब रुख करते हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े तजारती शहर और सिंध सूबे की राजधानी कराची का, और जायजा लेते हैं कराची में लाकानूनियत के आलम में पुलिस अहलकारों की बर्बरियत को लेकर सिविल सोसाइटी में बढ़ती तशवीश का। इंसानियत सोच पहलू ये है कि सिंध पुलिस के अहलकारों की जानिब से कराची में रिहाइश पजीर पश्तून और बलोच तालबे इल्मों को टारगेट किलिंग का शिकार बनाया जा रहा है। कराची में 16 बरस के पश्तून तालबे
रांची में थाना औरंगी गांव में के पुलिस ने गुंडागर्दी की हद कर दी है और एक मासूम बच्चा जो कि कोचिंग से आ रहा था जिसकी उम्र 14 से 15 साल है और जो है कि हार्ट ऑन का रिहायशी था हाजी लियाकत मसूद जो टेम्पल स्टेशन के सदर भी है सिंह है उसके बेटे पे औरंगी गांव थाना के जो SHO है आजम ने उन पर स्टेट फायरिंग की उनको शहीद किया गया और एक बच्चा जो है वो जख्मी है अभी पुलिस इनको मुकाबले का शक्ल दे रही है कि ये मुकाबला था इन्होंने फायरिंग कर दी यानी झूठ क्या वो कर रहे हैं पुलिस। वजीरिस्तान के कबायली पश्तून खानदान से ताल्लुक रखने वाला मकतूल अरसलान एक होनहार तालिबिन तो था ही साथ ही बेहतर मुस्तकबिल और आला तालीम के ख्वाब को पूरा करने के लिए काफी मेहनत और मशक्कत भी कर रहा। तालिम बनकर फर्जी मुकाबले की बिना पर अपनी वर्दी में सितारे लगाने की चाहत में उसे यूं बहिमाना तरीके से कत्ल कर देंगे। यही वजह रही कि कराची पुलिस के अहलकारों ने बर्बरियत की सारी हदें पार करते हुए अपने दोस्त के साथ मोटरसाइकिल से ट्यूशन से लौट रहे अरसलान पर फायरिंग करके कत्ल कर दिया तो मुतासरा खानदान समेत सिविल सोसाइटी ने शदीद एहतजाज किया। पठान तो अपनी जगह पे है पूरी पाकिस्तान का आया पठान भी है सिंह भी है बलोच भी है पंजाबी भी है ऐवान भी है न्याजी भी है अजारेवाल भी है हमारा एक पाकिस्तान है हमारा एक झंडा है जो चोर होगा डकैत होगा वो पुलिस का सपोर्ट करना पड़ेगा पुलिस उसके साथ भी खड़ा होगा। ये बारहवीं जमात की तालीम की फरसता उसने जाली मुकाबला भी दिया आजमे से छो लेकिन बात ये है जो उसका सजा वगैरह वगैरह नहीं होगा। हम भी पठान है वजीरिस्तान का कुरान का कानून है खून मैं समझता हूँ ये पुलिस ये सब जिम्मेदार है और बिल्कुल इसका सही कह रहे हैं पहले अगर इंसाफ हो जाता नकीब पे इंसाफ हो जाता तो ये ना बिल्कुल आपकी बात को मानते हैं नकीब के कातिल आजाद फिर रहे हैं नौजवान आजाद फिर रहे हैं ये सारा पुलिस आजाद फिर रहे हैं उसके साथ इंसाफ होता तो आज ये ना होता आज ये हमारे बच्चे कतल ना होते बिल्कुल हम समझते हैं जुल्म किया है इन्होंने पुलिस ने कतल किया है और SHO जिसका नाम ले रहे हैं वो कातिल आजम SHO और थाना पूरा इसका कातिल है। पश्तूनों और बलोचों के साथ लिसानी मुनाफरत की बुनियाद पर पूरे पाकिस्तान में ही सौतेला सलूक हो रहा है और इस मुनाफरत में पाकिस्तान में पश्तून और बलोच नौजवानों को फर्जी पुलिस मुकाबलों में आए रोज कत्ल किया जा रहा है। पाकिस्तान में हिफाजती अहलकार जब चाहें बेगुनाहों को बगैर किसी अदालत के फर्जी मुकाबलों में मौत के घाट उतार देते हैं और बाद में उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। न अपील न अदालत न ही कोई सुनवाई और न ही कोई पेशी सिर्फ सजा और सजा भी दर्दनाक मौत। कानून के मुहाफिजों का ये बर्ताव पाकिस्तान में तानाशाही निजाम और जंगल राज की गवाही देता है क्योंकि किसी के बारे में ये जाने बगैर कि वो मुजरिम है या नहीं उसे फर्जी मुकाबले में कत्ल कर देना किसी भी मुहज्जब मुआशरे में जायज करार नहीं दिया जा सकता। पाकिस्तान रिपोर्टर में अभी बाकी है कराची की हुकूमती अनदेखी के खिलाफ जमात इस्लामी के एहतजाज पर रिपोर्ट। लेकिन इससे पहले वक्त है पाकिस्तान रिपोर्टर के खसूसी सेगमेंट तेज रफ्तार खबरों का।
आइए खुसूसी सेगमेंट में हमेशा की तरह डालते हैं एक नजर पाकिस्तान की हफ्ते भर की कुछ चुनिंदा खबरों पर। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे के डेरा इस्माइल खान शहर में ANP यानी अवामी नेशनल पार्टी के लीडर उमर खिताब शीरानी को कत्ल कर दिया गया। मकतूल उमर खिताब शीरानी खैबर पख्तूनख्वा सूबे में बल्दियाती निजाम के इंतखाबात में सिटी काउंसिल में मेयर के ओहदे के उम्मीदवार थे, लेकिन उन्हें नामालूम हमलावरों ने इंतखाबात से एक रोज कबल घर के बाहर फायरिंग करके कत्ल कर दिया। पाकिस्तान की इक्तसादी राजधानी कराची में हुए दो खौफनाक धमाकों की वजह से खौफो दहशत और अफरा तफरी मच गई। खास बात ये रही कि कराची में ये दोनों धमाके इस्लामाबाद में मुनक़िदा OIC के इजलास से एक रोज पहले हुए और कराची में एक बैंक समेत दीगर दफातर वाली दो इमारतों में हुए इन धमाकों के नतीजे में 17 अफराद हलाक और एक दर्जन जख्मी हो गए। इन धमाकों की शिद्दत इस कदर खतरनाक थी कि दोनों इमारतें और आसपास खड़ी गाड़ियां पूरी तरह तबाह बर्बाद हो गईं। बाद में धमाके के मकामात पर पहुंची पुलिस और रेस्क्यू टीम ने मलबे के नीचे दबी लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया। पाकिस्तान के दारुलहुकूमत इस्लामाबाद में अफगान मसले को लेकर OIC का हंगामी इजलास तलब किया गया। पाकिस्तानी हुकूमत की गुजारिश पर इस्लामी तावुन तंजीम यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का अफगान मसले पर इस्लामाबाद में 41 बरस के बाद इजलास हुआ। 19 दिसंबर को हुए OIC के इजलास में अफगानिस्तान समेत 50 से ज्यादा मुल्कों के वज़राए खारजा ने हिस्सा लिया। OIC के इस इजलास से पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने खुसूसी खिताब करते हुए भुखमरी के दहाने पर खड़े अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत की माली इमदाद करने की अपील की, लिहाजा सऊदी अरब ने अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत को 1 अरब रियाल देने का ऐलान किया। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान की पार्टी PTI की सूबाई हुकूमत वाले खैबर पख्तूनख्वा सूबे में बल्दियाती निजाम यानी लोकल बॉडीज के लिए इंतखाबात का ढोंग किया गया, लेकिन हज़्ब दस्तूर 19 दिसंबर को खैबर पख्तूनख्वा सूबे में लोकल बॉडीज के इंतखाबात के दौरान तशद्दुद के वाकयात में कई सियासी कारकुनों की जानें भी चली गयी, जिसकी वजह ये रही कि तालिबान दहशतगर्दों और हुकूमरा जमात PTI के लीडरों ने कई पोलिंग बूथों पर धावा बोलकर न सिर्फ चुनावी धांधलियां की बल्कि इलेक्शन कमीशन के एहलकारों को यरगमाल तक बना लिया, लिहाजा पाकिस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर को चुनावी धांधलियों वाले दर्जनों इलाके में नतायज के ऐलानात पर रोक लगानी पड़ी। आखिर में एक बार फिर रुक करते हैं पाकिस्तान की इक्तिसादी राजधानी कराची का और जायजा लेते हैं मजहबी सियासी तंजीम जमाते इस्लामी की जानिब से किए गए हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरे का। इस एहतजाजी मुजाहिरे में जमाते इस्लामी के लीडरों और सियासी कारकुनों ने बड़ी तादाद में हिस्सा लिया और इमरान खान की वफाकी हुकूमत की कराची और सिंध दुश्मन पॉलिसियों पर जमकर सियासी तनकीद की। ये एहतजाजी मनाजिर हैं पाकिस्तान की इक्तसादी राजधानी कराची के और कराची की सड़कों पर सराफा एहतजाज हैं मजहबी तंजीम जमाते इस्लामी के लीडरान और सियासी कारकुनान। कराची में एहतजाजी मुजाहिरीन के इज्तिमा से जमाते इस्लामी के लीडर हाफिज नईमुर रहमान ने खुसूसी खिताब किया। इस मौके पर हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि कराची के लोग मेहनत और मशक्कत करके पाकिस्तान को हर साल सबसे ज्यादा रेवेन्यू देते हैं, लेकिन पाकिस्तानी इख्तदार और सियासत पर हावी जागीरदार और बडेरे कराची के लोगों को बुनियादी सहूलियात तक मुहैया कराने से कासिर नजर आ रहे हैं। हम इस मुल्क के वो लोग हैं जो टैक्स अदा करते हैं। ये कराची शहर पूरे मुल्क को चलाता है। ये कराची शहर सूबे का 98% रेवेन्यू देता है। ये कराची शहर इस गए गुजरे हालात से जब आपने कराची के ऊपर इस कदर शफून मारा हुआ है, यहाँ नौजवानों को मुलाजमतें नहीं मिलती, यहाँ पर जो है वो तासुब और लिसानियत की बुनियाद पर भर्तियां की जाती है, पैसे ले लेकर अपनी मर्जी की भर्तियां हो रही हैं, जब आपने इस तरह हमें बर्बाद किया हुआ है, उस वक्त भी ये शहर कराची जो टैक्स देता है, आधा इनकम टैक्स कराची देता है, आधा पूरा मुल्क मिलकर देता है। हमारी आबादी तो आप जो 3 करोड़ से कहीं ज्यादा है उसको आधा गिनते हो, लेकिन हम
हम तुम्हें जो है वो टैक्स अदा करके पूरे मुल्क को चलाते हैं। लाहौर में जो मेट्रो चल रही है वो हमारे टैक्सों के पैसों से चल रही है, पिंडी में जो मेट्रो चल रही है वो हमारे टैक्सों के पैसों से चल रही है, इसी तरह से मुल्तान में जो तामीरात हुई है ये कराची के पैसों से, टैक्सों के पैसों से हुई है, पिशावर के अंदर जो मेट्रो और बीआरटी चल रही है हमारे टैक्सों के पैसों से चल रही है, और हमें खुशी है कि हम पूरे पाकिस्तान को चलाएं। सर्कुलर रेलवे चलती थी, 12 दफा सर्कुलर रेलवे का इफ्तिताह हो चुका है, और इस दफा भी पिछले दिनों इफ्तिताह करके गए और कहा कि हम तो 200-250 अरब रुपए दे देंगे, पानी के मंसूबे के लिए हम जो है वो 300 अरब रुपए दे देंगे। हम ये पूछना चाहते हैं कि 3 साल में आप कराची को 10 अरब रुपए भी नहीं दिए हैं, जबकि 1 साल में कराची पाकिस्तान के खजाने में 2600 अरब रुपए जमा कराता है, तो आपने हमारे साथ क्या शुरू किया हुआ है? खैरात के तौर पर 80 बसें लाए हो, लेकिन लाइन ही नहीं चलेगी तो बसें कैसी चलेंगी? कराची के लोगों को मुलाजमतों में हिस्सा नहीं देती है, एजुकेशन का इन्होंने बुरा हाल कर दिया है, हेल्थ का मैं क्या बात करूं, कौन कौन से इदारे हैं जो इन्होंने तबाह कर दिए हैं। ऐसे में हम क्या करें? क्या हम वही सियासत करें जो 35 साल यहाँ के लोगों ने की थी और बर्बादी के सिवा कुछ नहीं मिला? हमें हमारे नौजवानों को मुलाजमतों के बजाय धक्के मिले हैं, हमारे बच्चे जो है वो रेस्टोरेंट्स में काम करें या फूड पांडा और फूड सप्लाई का काम करें, और उनको कोई हिस्सा सरकारी मुलाजमतों में ना मिले, क्या ये हमारे कराची के लोगों का मुकद्दर है? इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का शुमारा अब यही इख्तिताम पजीर होता है। अगले हफ्ते पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरें लेकर इसी रोज इसी वक्त फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज़।